press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान उपचुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस ने अब आपसी गुटबाजी को रोकने पर नजर टिका दी है। यहां गहलोत बनाम सचिन पायलट संघर्ष के चलते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने राजस्थान के नेताओं को सलाह दी है कि वे विधानसभा चुनाव के दौरान नेतृत्व के मुद्दे पर बयानबाजी न करें। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में संकेत दिया था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। वहीं चाहे वह उपचुनाव में जीत का श्रेय लेने का मामला हो या फिर कोई और मुद्दा, दोनों दिग्गजों में गुटबाजी की चर्चा हमेशा रहती है। प्रदेश से जुड़ाव रखने वाले और राहुल गांधी के निकट एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी गहलोत के विरोधी बताए जाते हैं। उधर पार्टी आलाकमान विपक्ष को यह कहने का मौका नहीं देना चाहता कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है तो वे प्रदेश कैसे संभालेंगे। इसी के चलते राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजस्थान के प्रमुख नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कर चुके हैं। बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, महासचिव मोहन प्रकाश के साथ ही प्रदेश के चारों प्रभारी सचिव मौजूद रहे। बैठक में राहुल ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश के नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर राजस्थान में सत्ता के खिलाफ माहौल को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता की पूरी पूछ हो और उसे संगठन में भी स्थान दिया जाए। राहुल ने विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर रणनीति बनाने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम हर विधानसभा में किया जाएगा। किसानों को साथ लेकर जिला स्तर पर सम्मेलन किए जाएंगे। कुल मिलाकर लग रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सीएम के लिए किसी चेहरे को प्रोजेक्ट करने के बजाय राहुल गांधी की लीडरशिप में ही मैदान में उतरेगी।